नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। बीती 26 जनवरी को दिल्ली में जो घटना देखने को मिली अपने आप में काफी ज्यादा शर्मनाक थी। दिल्ली के शहादरा में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक 20 साल की शादीशुदा महिला के साथ, जिसका एक बच्चा भी था उसके साथ, जो हुआ अपने आप में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला था। एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत की रूह कपा दी थी। आपको मैं बताना चाहूंगी कि उस महिला के साथ पहले उस महिला को अगवा किया जाता है, उस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, यानी कि गैंगरेप किया जाता है। अपने ही इलाके में जहां की वो रहने वाली थी, उस पूरे इलाके में उसे मुंह पर कालक पोत कर उसका सर मुंडवा कर, यानी कि पूरे के पूरे बाल काट दिए जाते हैं, जूतों की माला पहनाई जाती है और उसको इलाके में घुमाया जाता है। अपने आप में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना दिल्ली के शहादरा में देखने को मिलती है। और आज आप देख सकते हैं करनाल के किसान एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तमाम सामाजिक संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करें। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली में जो देखने को मिला इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। किस लिए आप मामला एक बार मैं चाहूंगी आप लोग बता दें, दिल्ली के शहादरा में जो हुआ, हालांकि हम सब ने देखा है वो। जगदीप एक मिनट। बेटा जो दिल्ली में है या सरकार सो रही है, ऐसा कांड हो या करा के डाकी के ली गिरफ्तारी में वे बिचारी घर लग छोड़ गई, कड़ी कड़ी बसन लाग रही बेटी। इन बदमाशों ने टोटो का फिर उसके साथ सलूक किया, इस सरकार ने बेरा नहीं के जो इन गिरफ्तार हो रहे बेटी, कौन कर देगा यह बर्दाश्त। आज लग में कोई पकड़े लग नहीं और कड़ा है वह या बीजेपी सरकार के गुंडागर्दी में ऐसा हो रहा। आज लगा 72 साल के हो रहे, ऐसा कांड नहीं होता बेटी कभी, जो कि उसके बाल लग काटे गए ऐसे उस जगह के। बेटी हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बुढ़े। तो इंसानियत के नाते यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी पहुंचे। नीट ब्लेसिंग्स नोट मनी से गुरकीरत है हमारे साथ। गुरकीरत, पहली बार ऐसा देखने को मिला, हालांकि दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, रेप बहुत होते हैं, गैंगरेप बहुत होते हैं, लेकिन किसी महिला के बाल कटवा देने, जूतों की माला पहना देनी, मुँह पर कालक पोत देनी, अपने आप में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला था। पहली बात तो हमें ही अपने आप में शर्म आने लग गया कि हम एक भारत देश के वासी हो गए, क्योंकि भारत को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। नेशनल मीडिया क्यों अब तक सोया पड़ा, जो इतना बड़ा मीडिया है क्यों नहीं, एक राजधानी में इतना बड़ा कांड हुआ क्यों इस चीज़ को, और ऊपर से एक चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये एक कम्युनिटी का रोल है। अब एक बात सोचने की है, यहाँ पे सब इंसानियत के नाते खड़े हुए हैं, सारे इंसानियत को देख के रेख के सब सारे यहाँ पे इंसानियत के नाते खड़े हुए हैं और हम इंसानियत के नाते वहाँ भी होकर आए हैं। सोचने की बात है, अगर यहाँ पे मुसलमान की बेटी होती या हिंदू की बेटी होती, क्या हम नहीं खड़े होते? आज एक सिखों का उन्होंने एक कम्युनिटी का बना दिया गया, जो सबसे शर्मनाक बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने वहां पे अरेस्ट करवाया तो उनको पेश क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों इतनी बड़ी गुंडागर्दी की जा रही है। हम तो यही कह रहे हैं कि वो चीज सेंटर के अंडर आती है, जो दिल्ली पुलिस है वो सेंटर के अंडर आती है, अमित शाह के अंडर आती है। अमित शाह का बयान क्यों नहीं आया अब तक, मोदी का बयान अब तक क्यों नहीं आया? आप एक देश के इतने बड़े राज्य बने हुए या राजधानी में रह रहे हो, राजधानी में इतना बड़ा कांड होता है तो वो चीज कहां जाके रिप्रेजेंट करती है? सोचने की बात है। मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि जितने भी करनाल के वासी है, देश के वासी है, जितने भी जत्थेबंदियां हैं, सारे जाके दिल्ली सरकार से एक क्वेश्चन तो करें कि कब तक ऐसा चलेगा। क्या वो इंसाफ था? बच्ची के साथ पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद उसका मुंह काला किया गया, बाल काटे गए, उसको चप्पलों का हार तक बनाया गया, क्या यह उस चीज का इंसाफ है?
चाहिए? क्या उसकी गलती क्या थी कि उसके लड़के को उसने हानि की थी? मेरे को जितनी बात सुनने में आई है सारी बात मैंने अपने कानों से सुनी है कि जब उस लड़की की जो लड़की थी जिसके साथ ये चीज हुआ उसको एक लड़का पसंद करता था, ठीक है, उस लड़के की जब उस लड़के ने सुसाइड किया उसकी माँ ने उसकी लाश के ऊपर कसम खाई है कि लड़की को मैं जीने नहीं दूँ। क्या ये हमारे देश की मानसिकता है? ये अनपढ़ता की निशानी है, ये इलिटरेसी की निशानी है। जब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा हम ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये बताओ बेटी भी नहीं बची पढ़ाई भी नहीं बची। और दूसरी बात, हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी, कहाँ पे है पढ़ाया, कहाँ जा रहा है? केजरीवाल ये कहता है कि स्कूल बनाए गया, हॉस्पिटल बनाया गया, स्कूलों में पढ़ाई कहाँ पे है? आज स्कूलों पे पढ़ाई के नाम पे ऑनलाइन पढ़ाइयाँ कर दी, क्या बच्चा पढ़ पाएगा? वहाँ पे सिर्फ इलिटरेसी रेट है, कस्तूरबा नगर में हमने सारा कुछ देखा है वहाँ इलिटरेसी रेट है, अनपढ़ता है, ये सिर्फ अनपढ़ता की निशानी है, मानसिक रूप उनका ठीक नहीं था। इस करके तो मैं चाहूँगा कि एक बड़ा फैसला, और आज हम ज्ञापन देने पहुँचे सारे इंसानियत के नाते हैं, मैं पहले कहना चाहता हूँ कि मीडिया के राही सारे मीडिया कर्मियों को कि ये सिर्फ इंसानियत के नाते इकट्ठे हुए हैं। गिरफ्तारियों का क्या कुछ स्टेटस है अभी, किन किन की गिरफ्तारी हुई है? 12 जनों की जो उन्होंने गिरफ्तारी बताई है वो 12 जनों की गिरफ्तारी है, बाकी वो गिरफ्तारी तब तक गिरफ्तारी है जब पहले ये तो बताए, पहले ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और SDM है गौरव सुमित, सुमित सिहाग है यहाँ पर जो ज्ञापन लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, SDM इंद्री है यहाँ पर जो पहुंचे हैं ये ज्ञापन लेने के लिए, और राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर सभी के सभी किसान इकट्ठा हुए हैं ताकि ज्ञापन सौंपा जाए और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि 12 लोगों की जिस तरीके से जो जानकारी मिली है कि गिरफ्तारी हुई है, हालांकि 9 उनमें से महिलाएं बताई जा रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उनमें से 9 महिलाएं बताई जा रही हैं। और यहाँ पर इंसानियत के नाते ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान और तमाम सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हर किसी के हाथ में, यह आप देख सकते हैं, जस्टिस की मांग यहाँ पर की जा रही है, जस्टिस फॉर कौर, और उसी को लेकर ये देख सकते हैं यहाँ पर आप जगदीप सिंह औलख भी आके सारा अवगत करा दिया है। बहुत ही इंसानियत को तार तार वाली करने वाली घटना है जिस प्रकार से उसके ऊपर जुल्म और अत्याचार किया गया है। और दिल्ली जो देश की राजधानी है जहाँ पर हमारा सारा प्रधानमंत्री सारी सरकार बैठी हुई है, उनकी छत्र छाया के नीचे ये काम हुआ है। और दिल्ली पुलिस अमित शाह गृह मंत्री के अंडर है, तो अभी तक उस पर ना तो किसी भी नेता ने सरकार की कोई स्टेटमेंट ना आना, नेशनल मीडिया से ये मुद्दा गायब होना और इसको दबाने की कोशिश करना ये बहुत ही शर्मनाक है। आज उसी के खिलाफ़ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और अपनी आवाज़ बुलंद की है अभी उस बेटी को न्याय मिल सके और आगे से ऐसी कोई भी घटना इस देश में ना हो। इस प्रकार की घटना हमारे देश के लिए, सभी समाज के लिए खतरे की निशानी है, तो आज उसी के खिलाफ आवाज बुलंद करें। मुद्दा दबाने के पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? सरकार कोई भी सरकार होती है, आपने देखा होगा निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में 2011 में, जिसने दिल्ली में उस टाइम कांग्रेस की सरकार को बहुत ज़्यादा बैकफुट पे ला दिया था। सरकार भी इस मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने देना चाहते। इलेक्शन है अभी, ये भी मुद्दा बनेगा महिला सुरक्षा का, उस सारे से बचने के लिए नेशनल मीडिया से भी इस मुद्दे को गायब रखा गया और ना ही कोई इस पे मौके की सरकार कोई बयान दे रही। किसके नाम ज्ञापन दिया? राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके और इस प्रकार की कोई भी घटना समाज में ना हो। ये घटना किसी प्रकार से भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, तो सारों ने मिलजुल के सारी करनाल की संस्थाएं सारे लोग इकट्ठे होकर आए हैं, तो ऐसे मुद्दों पर सारे इकट्ठे और इकट्ठे होना भी चाहिए, तो आज ये आवाज़ बुलंद की है। आज ये आवाज़ बुलंद इस वजह से की है ताकि उस बेटी को इंसाफ मिल पाए। ये 26 जनवरी की घटना है जिस दिन हमारे देश का गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन 26 जनवरी वाले दिन एक मैं कहूँगा मजलूम और असहाय लड़की को जिस तरीके से पीटा गया, उसका मुंह काला किया गया, उसे जूतों का हार पहनाया गया, ये भारत के गणतंत्र के नाम पर एक धब्बा है। डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था की आती है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ 2 घंटे तक तमाशा होता रहा और वहाँ से जस्ट 200 मीटर दूर पुलिस स्टेशन था, कोई नहीं आया। आखिर में जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई है उसके 3-4 घंटे बाद वहाँ पर लोग पहुँचे हैं और उन्होंने जाके उस लड़की को रेस्क्यू किया, बहुत मुश्किल से पुलिस ने उसको बचाया उन लोगों की मौजूदगी में।
तो मैं चाहता हूँ, मोहम्मद इकबाल का एक शेर है, कहते शर्म सी आती है मुझे इस देश को देश कहते हुए। और ये ऐसी बलात्कार की घटनाएं दिल्ली में कोई नई नहीं है, लेकिन जो रवैया अपनाया गया वो बहुत माड़ा था। और इसके लिए मैंने खुद अमित शाह को लेटर भी लिखा कि आपके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, आप इस पर संज्ञान लें। और उन्होंने संज्ञान लिया है, उनका मैसेज भी मेरे पास आया है कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। 22 जो अक्यूज्ड हैं उनको बुक किया गया है और उनमें से 12 के करीब अरेस्ट हैं, बाकी अभी अरेस्ट नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो भी गैंग रेप की, जैसे 376D है और उसको किडनैपिंग की है, ये सारी धाराएं उसमें लगा दी गई हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अमित शाह से, क्योंकि उनके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, कि वो किसी भी सूरत में उनकी जमानत ना हो जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के ये मामले की सुनवाई हो, ताकि दूसरों के लिए सबक और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो नारी का करना सम्मान तभी बनेगा हमारा देश महान, लेकिन नारी का सम्मान हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है वो आप खुद तय कीजिए, क्योंकि दिल्ली की शहादरा में बीती 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस पर जो देखने को मिला अपने आप में काफी ज्यादा शर्मसार कर देने वाला था। एक तरफ जहां हमारे देश का झंडा हवा में लहरा रहा था, तो दूसरी तरफ हमारे उसी देश की बेटी के साथ 20 साल की एक ऐसी महिला के साथ जो कि शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी, पुरानी रंजिश जो चल रही थी, जो जानकारी मिली है वो ये है कि पड़ोस का ही कोई व्यक्ति जो उसे पसंद करता था उसका ऑफर ठुकराने के बाद उसकी वो सुसाइड कर लेता है शायद, और उसके बाद उसकी माँ कसम खा लेती है उसके शव के ऊपर हाथ रखकर कि मैं उस महिला को जीने नहीं दूंगी। और उस महिला से किस तरीके से बदला लिया जाता है, पहले उस महिला को अगवा करवाया जाता है, सामूहिक दुष्कर्म उस महिला के साथ होता है, उसके सारे के सारे बाल कटवा दिए जाते हैं, सर मुंडवा दिया जाता है, गले में जूते चप्पल की माला डाल दी जाती है, मुंह पर कालक पोत दी जाती है और पूरे इलाके में उसे उसके बाद घुमाया जाता है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। पुरानी रंजिश चाहे कुछ भी हो एक तरफा प्यार में, लेकिन एक नारी का सम्मान करना हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस देश में नारी को देवी माना जाता है, ऐसे देश में नारी का अपमान कोई नहीं सह पाएगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।